सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों के वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश दिए हैं। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा निर्देश ये है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों के ऐलान के बाद इंजीनियरों की एक टीम की ओर से जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल प्रोग्राम को पाने का विकल्प होगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के ऐलान के 7 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। इसका खर्च भी उम्मीदवार को खुद ही उठाना होगा। अदालत ने कहा कि वो मतदान मशीनों के फायदों पर संदेह करने वालों और मत पत्रों पर वापस जाने की वकालत करने वालों के विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकती। इसके अलावा बुधवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने उपचुनाव आयुक्त नितेश व्यास को कोर्ट में बुलाकर 5 मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने कहा कि हमने ईवीएम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल देखे हैं। हम 3-4 चीज़ों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते बल्कि अपने निर्णय में दोहरा सुनिश्चित होना चाहते हैं और इसलिए स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। पीठ ने जिन 5 सवालों के जवाब मांगे थे उनमें ये भी शामिल था कि क्या ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोल रीप्रोग्रामेबल हैं। इस पर व्यास ने कोर्ट को बताया था कि ईवीएम की तीनों यूनिट मतदान कंट्रोल व वीवीपीएटी में माइक्रो कंट्रोल लगे हैं। फिजिकली उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन्हें एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। उन्होंने कहा ईवीएम मशीनों को आमतौर पर 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। चुनाव याचिका दायर करने की स्थिति में समय सीमा बढ़ा दी जाती है। व्यास ने पहले भी कोर्ट को ईवीएम की कार्यप्रणाली की जानकारी दी थी।